नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। एक बार फिर आपके साथ नेचुरोमैटिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से मैं आपसे बात करता हूं। मैं फाउंडर इन्वेंटर हूं एक नई अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री साइकोयोगी ड्रग लेस नॉन इन्वेसिव थेरेपी एनडब्ल्यूएम का। एनडब्ल्यूएम जैसे मैंने बताया, इतने सारे नामों से पता चलता है कि इसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं की जाती, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और फिर भी ये बहुत इफेक्टिव है। वर्ल्ड वाइड हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में सराही जा रही है आपकी एनडब्ल्यूएम। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कैसे चहुमुखी विकास हो हमारा। विकास हमारी मतलब हमारी सबसे बड़ी जरूरत है विकास। हम जहां पे हैं उससे ज्यादा विकास हो जाए हमारा। हम जहां थे वहां से हम विकास करते हुए हजारों सालों में यहां पे पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग या हम सब किसी ना किसी क्षेत्र में विकास की हमें आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारा चहुमुखी विकास नहीं हो पा रहा। कुछ बाधक ऐसे पॉइंट हैं, यही क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे पूछा सोशल मीडिया पे। तो जो विकास में बाधक पॉइंट हैं उसको समझने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि विकास को 8 पायदानों पे, 8 बिंदुओं पे अगर हम ठीक करें, उन 8 बिंदुओं का विकास हम कर लें, उन 8 तरह का विकास हम कर लें, तो ही हमारा चहुमुखी विकास हो सकता है। 8 तरह के विकास कहाँ कहाँ हमें करने हैं? तो सबसे पहला जो विकास होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए शारीरिक, दूसरा होना चाहिए हमारा मानसिक विकास, तीसरा होना चाहिए भावनात्मक हमारा विकास होना चाहिए, फिर होना चाहिए शैक्षणिक विकास होना चाहिए, यानी शिक्षा में, एजुकेशन के फील्ड में, एरिया में विकास की हमें जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। फिर है ऑक्यूपेशन में, फिर बात आती है एनवायरमेंट में, पर्यावरण वाला विकास, फिर सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक विकास है, और एक और जो जरूरी विकास जो हमें करना चाहिए, जिसके बारे में सोचना चाहिए, वो है आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल विकास। ये 8 तरह के विकास में से जो भी विकास का बिंदु छूट जाएगा, हमारा पूरा विकास नहीं हो सकता। इन्हीं पूरे विकास को वेलनेस के नाम से आज पूरी दुनिया 8 तरह के वेलनेस को पाने की कोशिश कर रही है। अब इसको कैसे किया जाए, इसको करने का तरीका साइंटिफिक यही है कि हम 8 तरह के जब विकास चाहते हैं तो 8 तरह का पहले हमारा डायग्नोसिस होना चाहिए। 8 तरह का विकास का हमारा क्या क्या स्तर है, भाई हम शारीरिक तौर पे स्वस्थ हैं या नहीं, मानसिक तौर पे हम स्वस्थ हैं या नहीं, भावनात्मक रूप से हम शक्तिशाली हैं या नहीं, शैक्षणिक रूप से हम शक्तिशाली हैं या नहीं, या हमारा जो पेशा है, जो हमारा ऑक्यूपेशन है, उसमें हम हैप्पी हैं या नहीं, जो हमारी रिलेशनशिप है जिसको हम सोशल स्वास्थ्य कहते हैं, जो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य है वो हमारा ठीक है या नहीं, ऐसे ही स्पिरिचुअल और पर्यावरण। तो इनका जब हम डायग्नोसिस कर लेंगे, जैसे कोई कहता रहे, हम किसी से बात करते हैं कि आपने कभी अपना बीपी टेस्ट कराया, वो कहेगा नहीं कराया, और हम उससे पूछे आपको लगता है आपका बीपी हाई है या लो है, तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा तो ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। किसी ने अगर शुगर टेस्ट नहीं कराया है तो वो कैसे कह सकता है उसे शुगर है या नहीं है। किसी ने अगर अपना लीवर का फंक्शनिंग टेस्ट नहीं कराया तो वो कैसे कहे कि मेरा लीवर ठीक है। अब जब हम एक ही तरह की स्वास्थ्य के बारे में हमें जांच कराने की आवश्यकता है, उसी तरह से हमें विकास की 8 बिंदुओं की जांच की जरूरत है, यानी हमारा जो डायग्नोसिस है वो 8 लेवल पे होना चाहिए। 8 लेवल पे डायग्नोसिस एनडब्ल्यूएम करता है। घबराने की बात नहीं है कि ये क्या इतनी बड़ी बात बता रहे हैं, डायग्नोसिस कैसे कराएंगे, हम करते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब इसको करने के बाद जो एक बात आती है, डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस होने के बाद आपको ये पता चल जाएगा आपका बच्चे का दिमाग बायोलॉजी पढ़ने वाला है तो उसे इंजीनियरिंग में क्यों डालना, नहीं तो टेंशन होनी है। 2 अलग अलग व्यक्तियों का मन नहीं मिलता है, उन लोगों का अगर शादी विवाह हो जाए तो फिर परेशानी होगी। ऐसे ही जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो हमें पसंद नहीं है, हमारा बॉस हमें पसंद नहीं है, तो हम खुश नहीं रह सकते, फिर हमारा कहीं ना कहीं वही तनाव हमारे विकास में बाधक होगा। ऐसे ही जैसे हम ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, फिर नशा करने लगते हैं, डिपेंडेंसीज में आ जाते हैं,
फिर हमारे विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसी कुंठा आती है तो हम एक दूसरे पे उंगली उठाने लगते हैं, हम एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने लगते हैं। वो कुंठा फिर वो स्ट्रेस है, उसका भी हम प्रिस्क्राइब आप पहले डायग्नोस करते हैं फिर प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में बताते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये आठों पॉइंट पे सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, हम करते हैं। तो जब कभी आप विकास की अपनी चिंता करते हो तो आठों तरह के विकास की चिंता करिए, आठों तरह के विकास की चिंता करते हुए आठों तरह के विकास का डायग्नोसिस भी कराइए, जब तो पता चलेगा आप कहां पे वीक है और कहां पे स्ट्रांग है। उन आठों पॉइंट्स को ध्यान रखिए, वहां पे हम डायग्नोस करते हैं, हम करते हैं, चिंता मत करिए, वर्ल्ड वाइड हम करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, एनडब्ल्यूएम मास्टर्स हर जगह आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हमारे टूल्स हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हैं, ग्लोबल टेस्टिमोनियल्स हैं, हर तरफ से, हर देश से हैं। यूएसए में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, अभी लेटेस्ट हमारी जो रिसर्च यूएसए में हुई वो कैंसर्स पे हुई, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हमने उस पर काम किया एंड रिजल्ट्स आर वेरी मोटिवेटिंग। दूसरी जो अभी रिसर्च हुई है रिसेंटली वो ये मेंटल हेल्थ पे, उसमें भी एनडब्ल्यूएम बड़ी कारगर है। तो वहां पे कारगर क्या है, पहले हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस हुई हुई चीज है या डायग्नोस हो गया है तो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं और बड़े आसान है। ऐसे ही एक टूल अभी हमने इसमें जोड़ा है जिसको हम सालों से अपने आप तो हम यूज कर ही रहे थे लेकिन अब उसको हमने पब्लिक किया है। हम उसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि अलग अलग शेप्स का, अलग अलग कलर का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हम उसको नाम देते हैं एनडब्ल्यूएम कृति। कृति का मतलब है एक कला, एक करा, कराना हुआ कोई चीज, कोई कार्य, वो कृति है। अच्छे मन से कोई कार्य किया जाए तो वो कृति हो जाती है, तो इसका नाम ही एनडब्ल्यूएम कृति। अच्छे मन से हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन सी वाली, आपके विकास में कोई बाधक है कोई बिंदु पे, तो हम एक आपको शेप सजेस्ट करते हैं, उस शेप से रिलेटेड पेंटिंग सजेस्ट करते हैं जिसमें हम उन कलर्स का यूज करते हैं जो आपके लिए यूजफुल है। तो ऐसे मिला के एनडब्ल्यूएम कृति एक स्पेसिफिक आप ही के लिए है, वो जो हम आर्ट पीस बनवाते हैं वो हम आपको आप ही के लिए देते हैं, वो खास आपकी उसी एक खास परेशानी के लिए है या ओवरऑल वेलबींग के लिए है। अगर आप जैसा आप चाहें वैसे हम उसको प्रिपेयर करा सकते हैं, वो बन जाती है एनडब्ल्यूएम कृति। जैसे आप और सब हमारे टूल्स को यूज कर रहे हैं, मैं विशेषकर अपने एनडब्ल्यूएम मास्टर्स से ये कहना चाहता हूं, जैसे अब तक आपने बड़ा लाभ उठाया है एनडब्ल्यूएम टूल्स का, एनडब्ल्यूएम कृति को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। कोई परेशानी होती है तो जो आपके जो सीनियर्स हैं जो एनडब्ल्यूएम कृति को जानते हैं उनसे बात करिए। मैं हमेशा आपसे जुड़ा हुआ हूं, सोशल मीडिया पे आप कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनडब्ल्यूएम कृति को समझें और अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कराएं। एनडब्ल्यूएम कृति के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं बहुत सालों से कर रहा हूं। प्रणय भागवत आपको जैसा पता है वो हमारे एनडब्ल्यूएम के को फाउंडर इन्वेंटर हैं, उनका बड़ा योगदान है इसमें, उसको डेवलप करने में, तो वही ये सब देख रहे हैं तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मैं हमेशा हूं आपके साथ। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।